Lord, because this is all you have done. So I have news to you today. सुदृढ़ हिंद ओहदे के उम्मीदवार जनाब यशवंत सिन्हा के दौरे के दौरान पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने उनका वाले इस्तेमाल किया और अपनी ताईद का यकीन दिलाया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुने गए सम्मानित नेता माननीय यशवंत सिन्हा जी मंच पर उपस्थित टीआरएस पार्टी के लोकसभा के नेता श्री नामा नागेश्वर राव जी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी उसके चेयरमैन भूतपूर्व पार्लियामेंट मेंबर श्री सुदेंद्र कुलकर्णी जी माननीय मंत्रीगण माननीय पार्लियामेंट के सदस्य तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और हमारे तेलंगाना विधानसभा के विधायक भाइयों बहनों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। राजेश्वर रेड्डी के बाद फिर एक बार मैं यशवंत सिन्हा जी का हृदय से तेलंगाना जनता के ओर से तेलंगाना सरकार के ओर से हम तमाम के ओर से स्वागत करते हैं इस ऐतिहासिक हैदराबाद शहर में। यशवंत सिन्हा जी एक अच्छे सच्चे टॉल पर्सनालिटी है। उन्होंने अपने करियर एडवोकेट के रूप में स्टार्ट की है, बाद में वो IAS अधिकारी भी बने, अधिकारी के रूप में भी कई सेवाएं देश को उपलब्ध कराए। उसके बाद राजनीति में आए और सम्मानित रूप से एक बार वो वित्त मंत्री थे देश के और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद उनके जो इनसाइट्स थे, जो मंत्रालय वो संभाल रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पेरिस में उनको पुरस्कार दिया गया, उनको सम्मानित भी किया गया। ऐसे एक नेता को आज स्वागत करने में हम फख्र महसूस करते हैं। आज हम भाग्यशाली हैं कि एक अच्छे नेता को अच्छे ढंग से हमने राष्ट्रपति पद के लिए चुना है और आज हैदराबाद में जब वो आए हम बड़ी अच्छी तादाद में उनके स्वागत भी किए हैं।